Good morning students, welcome to online classes of RPS Public School. We are in the period of class 6 maths. हम लोग अभी class 6 के math period में हैं. पिछली classes में आप लोगों ने exercise 21D बनाया, ठीक है? I think समझ में आ रहा होगा. ठीक, आज हम लोग कुछ और extra कुछ more problems देख रहे हैं. Concept of area and perimeter chapter से related कुछ और concept हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना? चलिए हम देखते हैं आगे. जैसे कोई भी हमारा हो गया एग्जाम्पल वन मान ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमारा दे दिया कितना है इसमें कि एग्जाम्पल वन में कि एक स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड हुज पेरिमीटर इज हुज पेरिमीटर इज 84 मीटर. सपोज ये क्वेश्चन हमारा दे दिया, ठीक है ना? एरिया में निकालना है हमको. सबसे पहला क्या करना है, साइड को दिया हुआ नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर. क्लियर? चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं. क्या है सॉल्यूशन में हमारा? तो यहां गिवेन हमारा क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है हमारा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवेन है 84 मीटर. हमें साइड फाइंड आउट करना है तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर बाय 4 हम लोग को होता है. क्या होता है? पेरीमीटर बाय 4. अब पेरीमीटर हमारा कितना दिया हुआ बच्चों इसमें 84 मीटर. 84 बाई 4 इसको क्रॉस कर दिए कितना 21 मीटर. यानी हमारा साइड कितना हो गया 21 मीटर हो गया. क्लियर? इसके बाद क्या 21 मीटर साइड हो गया. अब हमें क्या निकालना है बच्चों? एरिया निकालना है. एरिया ऑफ देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू क्या है बच्चों? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड. यानी साइड कितना हो गया यार 24, तो 21 इनटू 21 यानी कर लेंगे इसको कितना हो जाएगा 441 मीटर स्क्वायर. ये हमारा क्या हो गया बच्चों? एरिया हो गया. क्लियर? ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से जल्दी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी आ सकता है हमारा एग्जाम्पल को इसको जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा आ सकता है कोई भी डॉट डायमीटर ऑफ ए व्हील. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल टू में हमारा आ सकता है कोई भी सर्कल से रिलेटेड, ठीक है? तो चलिए हम देख ले रहे हैं. एग्जाम्पल टू में जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया एग्जाम्पल टू जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया हमारा कि द डायमीटर ऑफ ए व्हील फाइंड द डायमीटर ऑफ द फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार ऑफ फाइंड द डायमीटर ऑफ ए व्हील हुज सर्कमफेरेंस वुड सर्कमफेरेंस इज 176 सेंटीमीटर. सपोज हमारा एक क्वेश्चन दे दिया कि सर्कमफेरेंस इसका 176 मीटर है. चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं. तो हमने बताया है आपको सर्कमफेरेंस इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है 2
पाई आर, क्लियर। तो सर्कुलर में एक समरा दिया हुआ है बच्चों कितना 176। तो वैल्यू ऑफ पाई हमने आपको बताया है 22/7। रेडियस हमको नहीं पता है, रेडियस निकाल ले रहे हैं हम लोग, क्लियर। चलिए अब क्या कर रहे हैं, 176 सेवन इधर की वैल्यू है, इसको बराबर के दूसरे साइड में लाए तो मल्टीप्लाई हो गया 2 और 10 to 22, इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया होगा बच्चों डिवाइड में इक्वल टू आर हो गया हमारा। अब इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 8 + 6 से 2 8 + 16 कट गया, इससे हम काट सकते हैं इसको, क्या होगा बच्चों हमारा ये 22 होल, यानी रेडियस कितना निकल गया हमारा 4 × 7 = 28 cm, ये रेडियस निकल गया। हमें निकालना है क्या बच्चों, डायमीटर, देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू हम जानते हैं अपन का 2 × रेडियस होता है, यानी 2 × रेडियस कितना हो गया हमारा 28, दैट मींस कितना 56 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया बच्चों रेडियस है, डायमीटर हो गया इसका, ठीक है ना। चलिए इसको राइट डाउन कर लिया जल्दी से जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। एग्जांपल 3 में देखते हैं, हम लोग जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया हमारा, एग्जांपल 3 में हमारा कि हाउ मेनी इंटरवल कैन बी मेड, हाउ मेनी इंटरवल कैन बी मेड बाय, हाउ मेनी इंटरवल कैन बी मेड बाय ए सीट ऑफ पेपर बाय ए सीट ऑफ पेपर 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर बाय 48 सेंटीमीटर इच इन मेला, इफ इच इन मेला रिक्वायर्स, इच मेला रिक्वायर्स ए पेपर ऑफ साइज ए, पेपर ऑफ साइज 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे निकालना क्या बच्चों नंबर ऑफ इन वेला निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें नंबर ऑफ इन वेला इक्वल टू हम दोनों के एरिया को डिवाइड कर देंगे, यानी एरिया ऑफ पेपर सी बाय एरिया ऑफ वन इन वेला, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वन इन वेला, ठीक है। क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ इनवेलप इक्वल टू एरिया ऑफ पेपर सीट बाय एरिया ऑफ वन इनवेलप, एरिया ऑफ पेपर सीट हमारा दिया हो गया लेंथ इन टू ब्रेथ, लेंथ देना 72, ब्रेथ देना कितना बच्चों हमारा 48, यानी 72 × 48, और हमारा इनवेलप का साइज दे रहा है 18 सेंटीमीटर लेंथ है इंटू 12 सेंटीमीटर क्या है इसका ब्रेथ है, 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों हम लोग काट देंगे, ठीक है। 18
54 72। क्लियर। इसके बाद हमारा हो रहा है, इससे काट सकते हैं हम 12 3 12 4 12 4 हमारा क्या होगा बच्चों 48 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 16 यानी 16 envelope can be made out of the paper से 72 सेंटीमीटर by 48 सेंटीमीटर। क्लियर, इसको राइट डाउन कर लीजिए, आपको जल्दी से जल्दी। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं अपने SW सेक्शन की ओर। तो आज का SW में बच्चों क्या करेंगे आप लोग, आज के SW में आप लोग बच्चों क्या करेंगे, एक्सरसाइज SW के लिए एक्सरसाइज 21E। क्लियर, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इस एमसीक्यू क्वेश्चन को आप सोल्व करके बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है सभी को अपने कॉपी में सोल्व करके बनाएंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे बच्चों आप लोग, एक्सरसाइज 20E सॉल्व करके हमें इवनिंग सेशन में सेंड कर देंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लगाना है, डायरेक्ट टिक नहीं मारना। ठीक है ना, ठीक, ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे।